निशान कैसा है? ये निशान लेडीज सब पुलिस मार के हमको मार के दिया है फुला के। हम लोग रोड पे खड़ा थे। किस लिए, क्या हुआ था? वही एनएम का एग्जाम देने आए थे। कलकत्ता जिला में डीएमएफटी के तहत पारा मेडिकल नियुक्ति में आवेदन से वंचित अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के आयोजन पर विरोध जाहिर किया था। अपनी मांगों को लेकर कल सड़क पर उतरे समरनाले के समीप सड़क जाम भी किया, जिसे प्रशासन के द्वारा हल्का बल प्रयोग कर जाम को हटवाया गया था। नियमावली के अनुसार चयन परीक्षा नहीं करवाने का आरोप अभ्यर्थियों ने लगाया है। वहीं आज इस मामले ने नया मोड़ ले लिया। बोर्ड स्कूल में आज इस प्रतियोगिता की परीक्षा ले जा रही थी। इसका विरोध करने वह सभी लोग वहां पहुंचे, जिसमें जो इस परीक्षा में नहीं बैठ पाए वो सारे अभ्यर्थी वहां आज परीक्षा केंद्र पर जमा हुए थे। परीक्षा केंद्र यानी बोर्ड स्कूल में जमकर हंगामा हुआ। सैकड़ों महिलाएं और लोग वहां जमा हुए, विरोध प्रदर्शन हुआ। सूत्रों की माने तो पत्थरबाजी की भी सूचना मिली है। प्रशासन मौके पर पहुंची, माहौल को करवाया है शांत, और ऐसा बताया जा रहा है कि उस सड़क के आसपास धारा 144 भी लगवा दी गई है। अरे छोड़िए ना, काला खोलेगा भैया, पीछे जगह है जो अब ये ना सब लोग आ रहे हैं, अंदर जाएगी यार, ये लड़का टच कर दिया है। देखिए यो खबर ले रहा अजीत भैया, इसका खबर आपका खबर अभी मेरिट लिस्ट छाट दिया, हम लोग एग्जाम देने नहीं दे रहा है। मेरिट लिस्ट पहले ही बना दिया है। हम लोग का कहना है कि पहले एग्जाम लीजिए, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनाइए। और जो लड़का अभी पास भी नहीं हुआ है उसको एग्जाम में बैठा दिया गया है, और नहीं तो आप देख लीजिए फार्मासिस्ट में नंबर दो का जो कैंडिडेट है एमडी इस्माइल नाम है, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, सेकंड ईयर का भी पास नहीं किया है और उसको एग्जाम में बुला दिया है और हम लोग को एग्जाम में दिया ही नहीं। अभी आप लोग किस मांग को लेकर कोर्ट में आए हैं? रोकने के लिए एग्जाम बढ़ा देने होता है, जिसमें फाइनल होने के बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, कहीं भी अप्लाई करने के लिए उसमें रजिस्ट्रेशन मांगा जाता है। लेकिन यहाँ फर्स्ट ईयर वाला लड़का अप्लाई किया और उसका एग्जाम के लिए बुलाया गया है, जबकि सेकेंड ईयर वाला लड़का को नहीं बुलाया है, जिसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर भी है। ये सब आखिर किस आधार पर उन लोगों को लिया गया है? यहाँ तक कुछ समझ में आ रहा है कि कब कैसे ले रहा है, न रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है, न वेरिफिकेशन देख रहा है, डॉक्यूमेंट भी चेक नहीं किया और नंबर के अनुसार से लिया है। अभी क्या करने वाले हैं आप लोग? अभी तो हम लोग जा रहे हैं प्रदीप यादव के पास, वहाँ हम लोग रखेंगे आवेदन और देखा जाएगा उसके बाद क्या होगा, फिर हम लोग को अपनी करवा से फेरी बनिया।